तो आज मैं आप सभी के लिए ब्रेड से बनने वाली एक बहुत ही खास मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। तो ब्रेड से तो आप सैंडविच वगैरह हमेशा बना के खाते होंगे, पर क्या आपने कभी ब्रेड से ये बिल्कुल अलग तरीके की रेसिपी बना के खाई है? तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा और आज की रेसिपी गेस कीजिएगा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं स्मृति। आज आप सभी के लिए मैं ब्रेड और दूध से बनने वाली एक बहुत ही खास मिठाई की रेसिपी लेके आए हूँ जो आप सबको बहुत लाजवाब लगेगी और आप ये मिठाई यकीनन बहुत ही पसंदीदा होगी आपकी और बहुत शौक से आप खाते होंगे। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम ये बहुत ही खास मिठाई बना रहे हैं आज। तो आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं मुझे कमेंट में अपने सिटी का नाम जरूर लिख के बताइएगा। तो आप लोग गेस कीजिएगा, मैंने यहाँ कैप्शन में नाम नहीं बताया है कि मैं आज ब्रेड और दूध को मिक्स करके कौन सी मिठाई बना रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में अगर आप सही समझे हो तो आप लोग गेस कीजिएगा और मुझे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो हमारे साथ बीना जी जुड़ी हैं, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एच डी शर्मा जी जुड़े हैं, लिख रहे हैं, सुनने में ही अच्छा लग रहा है। तो ब्रेड और दूध से और भी काफी सारी मिठाइयाँ बनाई जाती है बट ये मिठाई बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे तैयार करना है। तो जो सैंडविच ब्रेड होती है नॉर्मल वो आपको लेनी है और ब्रेड के ना हमें जो चारों किनारे होते हैं वो हमें इसको काट के हटा देना है। तो देखिए इस तरीके से ना हमें ये चारों किनारे जो हैं ब्रेड के वो काट के हटा देना है। और फिर हमें ब्रेड को ना इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट करना है। तो रफली आप कैसे भी कट कर सकते हो, मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको ब्रेड को ना काट के रेडी कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट पे ऑलरेडी बाकी सारे ब्रेड के टुकड़े भी काट के रखे हैं, आप तोड़ लीजिए या फिर इस तरीके से आप इनको कट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें लेना है दूध और दूध हमें इसके ऊपर डालना है। तो दूध आपको हिसाब से ही डालना है, एकदम से आपको ज्यादा दूध नहीं डालना है, बस हमें 3-4 बड़े चम्मच जितना इसमें दूध की जरूरत है। और हमें दूध के साथ ब्रेड को ना अच्छे से यहाँ पे मैश कर लेना है। इंदु मलिक जी जुड़ी हमारे साथ, लुक्सिया में लिख रही हैं, थैंक यू। एच डी शर्मा जी अमेरिका से जुड़े हैं, थैंक यू। सुशीला जी लिख रही हैं माई फेवरेट डिश, थैंक यू सुशीला जी। रंजना गुप्ता जी जुड़ी हैं, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। यमी लिख रही हैं, रेखा गुप्ता जी जुड़ी हैं, हेलो डियर लिख रही हैं, हेलो रेखा जी कैसे हैं आप। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला बस 2-3 चम्मच जितना और इस तरीके से हमें यहाँ पे मैश करते हुए ब्रेड को दूध के साथ मिलाना है। तो बहुत हाथ रोक के आपको इसको आपको इसमें मतलब दूध को मिक्स करना है और दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। तो बहुत इजी प्रोसेस से मैं आपको ये बहुत ही फेमस मिठाई बनाना बता रही हूँ और आप सभी को यकीन है 90% लोगों को ये मिठाई बहुत पसंद होगी। तो अभी जो नाम है वो मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को बस गेस करना है कि ब्रेड और दूध से हम
यहाँ पे क्या मिठाई बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ना बिल्कुल हमें आटे की तरह गूंथना है, तो एकदम दबा दबा के इसको इस तरीके से गूंथ लीजिएगा। तो जयश्री जी, सुमन जी, नीलम जी, ममता जी, सूरज जी, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी जी, सुधा जी, आयुब जी, शोभा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सबको दोस्तों, ये अभी वीकेंड आने वाला है, तो वीकेंड पे आप ये खास मिठाई बना सकते हो। और आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों घर वालों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें ना गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से हमें इसको मैश करना है। और आप देख सकते हैं जैसे हम आटे का टाइट डो लगाते हैं ना, वैसे ही दूध के साथ हमने मिक्स करके यहाँ पे एकदम टाइट सा डो लगा लिया है। बहुत ज़्यादा गीला रखेंगे ना तो ये बन नहीं पाएगा। इस तरीके से अच्छे से इसको आप 1-2 मिनट के लिए दूध मिलाने के बाद गूंथ लीजिएगा। सुमन जी ने गुड लिखा है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजू गर्ग जी जुड़ी हैं, हाय लिख रही हैं, हेलो अंजू जी। यहाँ देखिए इसको मैंने अच्छे से ना मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो अभी हम इस मिठाई के लिए ना चाशनी भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम होने को रखा है, इसमें हम ना 1 कप पानी डाल देंगे। तो नाप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है और उसके बाद ही हमें 1 कप इसमें चीनी डाल देना है। तो चीनी की जगह पे मैं यहाँ पे खांडसारी शुगर जो होती है, देसी खांड, उसका यूज़ कर रही हूँ, जो चीनी की तरह ही होती है बट रिफाइंड शुगर से हटके होती है, हेल्दी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे खांडसारी शुगर का यूज़ किया है। और 1 कप पानी और 1 कप चीनी डाल के हमें यहाँ पे ना चिपचिपा सा घोल तैयार करना है, जो चाशनी होती है। बहुत ज़्यादा हमें इसको मतलब 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो इसको अभी हम उबलने देंगे, साथ ही साथ हम इसमें ना थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, 1-2 चुटकी जितना। और इसको अभी उबाल आते वक्त हमें पकाना है, करीबन 2-3 मिनट में हमारी जो चाशनी है ना पक के एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब आइए, जो मिठाई है आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कैसे हमें इसको तैयार करना है। इंदु मलिक जी ने कमेंट किया है, गुलाब जामुन, बिल्कुल सही गेस किया है उन्होंने। हम यहाँ पे ब्रेड और दूध से ना गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो थैंक यू इंदु जी, आपने एकदम सही गेस किया। तो सूजी से, मावा से या फिर नॉर्मली मैदे से जो गुलाब जामुन बनाई जाती है घरों घरों में, तो कई बार वो परफेक्ट नहीं बनती है। तो यहाँ पे ब्रेड और दूध से ये जो मैं गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ ना, आप देखना एकदम परफेक्ट बनती है, बिल्कुल भी फटती नहीं है। यहाँ देखिए इस तरीके से ना गोल गोल हमें शेप में इसको तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी इस पे क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। हल्के फुल्के क्रैक्स रहते भी है ना तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये एकदम बढ़िया सिक्के तैयार होते हैं। तो ऐसे ही हमें ना इसको रोल करके रेडी कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको डो का बताया, आपको ध्यान रखना है, करीबन मैंने 4-5 ब्रेड लिए थे टोटल, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 5-6 चम्मच, 5-6 बड़े चम्मच जितना दूध डाला है और इस तरीके से गूंथ के तैयार कर लिया है। और कोई इसमें चीज़ हमने नहीं डाली है, बस दूध और ब्रेड को ही हमने मिक्स किया है। तो आप बड़े छोटे जैसे आप बनाना चाहे ना वैसे आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े या फिर बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बना रही हूँ। तो करीबन
हम चार पांच इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक बार में आप जितने तल सके उतने आप बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को ये आता होगा बनाने, तो ऐसे ही तैयार कर लेना है। बस तलने के लिए मैं यहाँ पे ना चार पांच रेडी कर रही हूँ कि मैं आपको फटाफट से तल के दिखा सकूँ। तो यहाँ देखिए इसको तलने के लिए मैंने देसी घी गरम किया हुआ है। तो आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आज देसी घी में बनाना इसको प्रेफर किया है, जिसमें एकदम बढ़िया बनती है। जैसे हलवाई लोग भी देसी घी में ही बनाते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। तो तेल को ना यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। जो आप तेल ले और या फिर घी ले उसको गरम करें, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। जैसे हम पकौड़े वगैरह बनाने के लिए जितना तेल गरम करते हैं ना, उतना गरम एकदम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तेल जो है ना हमारा, एक छोटा सा दाना डाल के देख लेंगे और देखिए बढ़िया सा गर्म हो गया। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, मतलब इतना ज़्यादा गर्म भी हमें नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, गुलाब जामुन आप डालोगे और वो जल्दी से लाल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चाशनी जो हमने पकने को रखी है ना, उसमें भी बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब इसको हम ऐसे ही 1-2 मिनट और पकने देंगे। और इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि है केवड़ा एसेंस, जो केवड़ा वाटर होता है ना, फ्लेवरिंग एजेंट। तो 1 चम्मच जितना मैंने इसमें ये केवड़ा वाटर डाल दिया है। अगर आपके पास है तो डाल ले, वरना आप स्किप कर सकते हो। तो इसी तरीके से इसको उबलते हुए हम 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है गुलाब जामुन की चाशनी कैसी होती है, हल्की सी चिपचिपी होती है, एक तार से हल्की कम होती है। तो वैसी आपको यहाँ पे चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ देखिए हमने एक छोटा सा दाना डाला था डो का और एकदम लाल हो गया है। तो क्या होता है ना कि ये लाल हो जाता है इसी तरीके से गुलाब जामुन, और फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। तो बस हल्का सा हम इसको तेल को बस ठंडा कर लेंगे। मंजू जी लिख रही है मिक्सचर में पीस लेना चाहिए। जरूरी नहीं होता मंजू जी कि आप इसको मिक्सर में पीसे, हाथ से भी बहुत आसानी से बस 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है। आशा जी जुड़ी हैं, हेलो लिख रही हैं। हेलो आशा जी, कैसे हैं आप? लता जी हेलो लिख रही हैं, थैंक यू। हेलो आपको। इंदु जी लिख रही हैं यू आर गुड कुक, थैंक यू इंदु जी। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। देव श्रीमा जी जुड़ी हैं, लिख रही हैं क्या बना रही हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेड और दूध से ना एकदम बढ़िया हलवाई जैसे गुलाब जामुन बना के दिखा रही हूँ दोस्तों आप सबको। तो चलिए यहाँ पे मैंने इन बॉल्स जो है ना वो बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको तेल में डालते हैं। तो यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद, घी को जो है गर्म होने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, और एक एक करके ये हम सारे बॉल्स डालते जाएंगे। तो देखिए घी अभी भी है ना तेज गरम है। तो
अंशु जी जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड टू वॉच, थैंक यू। तो वेलकम अंशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए हल्का सा ना हम इसको इस तरीके से रोटेट कर लेंगे, बहुत हल्के हाथों से इसको इस तरीके से रोटेट करना है। इसमें बिल्कुल भी करछी वगैरह नहीं चलाते हैं। तो जैसे हम सूजी के बनाते हैं या फिर जनरली मावा और मैदा मिक्स करके बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी परफेक्शन चाहिए होता है, हलवाइयों का हाथ काफ़ी साफ़ होता है, तो पहली बार में ही वो लोग परफेक्ट बना लेते हैं। बट कई बार घर पे एकदम परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। बट आप इस तरीके से बनाओगे ना, ब्रेड और दूध को मिक्स करके, और फिर आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाओगे, एकदम बढ़िया परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से ही हमें इसको हल्का सा रोटेट करते हुए चलाना है। और इसको हमें धीरे धीरे ही सिकने देना होता है, नहीं तो ये लाल हो जाएंगे और अंदर से जैसे मैंने आपको बताया कच्चे रह जाएंगे। तो एक बार बस मैं हाथ धो रही हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे दिखाती हूँ। तो एक बार में देखिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं डाला है। अब देखिए घी जो है वो ठंडा होने लगा है, तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन कर दे रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे इसको रखा है। बस ऐसे ही हमें इसको हल्का सा रोटेट करते रहना है। तो जैसे मैं हिला रही हूँ ना यहाँ पे, वैसे ही हिलाइएगा, या फिर आप चम्मच लेके इसके किनारे किनारे घी में हिला सकते हो इसको चलाने के लिए। राजकुमार जी जुड़े हैं मोगा पंजाब से, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजू जैन जी जुड़ी हैं, यमी लिख रही हैं, थैंक यू। रेखा गुप्ता जी लिख रही हैं, बहुत यमी और टेस्टी है, थैंक यू। कुमुद जी जम्मू से जुड़ी हैं, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपांजलि जी लिख रही हैं, साउंड्स इंटरेस्टिंग, थैंक यू। आशा आहूजा जी जुड़ी हैं, लिख रही हैं, बहुत सुंदर बेटे को शाम को कोशिश उसे बहुत पसंद है। तो ज़रूर आशा जी, आपके बच्चों को, बेटे को अगर पसंद है तो आप ज़रूर बनाइएगा। और बेहद आसान तरीका मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सब भी घर पे आसानी से बना सको। तो यहाँ देखिए गैस चलाते ही कैसे इसमें बढ़िया सा उबाल आने लगा है। बस इसी तरीके से हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे, जिससे ना ये अलट पलटते रहेंगे अंदर ही, रोटेट होते रहेंगे और अच्छे से सिकते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सजेशन चाहिए हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, रेसिपी से रिलेटेड। हेमलता जी जुड़ी हैं हमारे साथ, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरजीत जी यमी इजी रेसिपी लिख रहे हैं, थैंक यू। सुशीला यादव जी लिख रही हैं, आर्मी में लेडीज क्लब में बनाया है, तो आपने ट्राई किया है तो आपको पता होगा सुशीला जी कितने बढ़िया बनते हैं ये।